सब्सक्राइब कीजिए केमिस्ट्री परिवार चैनल को और बेल आइकन को दबाइए नई नई एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, ऑल आर वेलकम इन केमिस्ट्री परिवार। और भाई आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसके अंदर भी क्या पढ़ेंगे कि किस तरीके से सॉल्वेंट अपना SN1 और SN2 रिएक्शंस को अफेक्ट करता है। तो यही हम पढ़ने जाएंगे आज का लेक्चर। किस पर डिवोट है भाई? सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो क्या होता है भाई सॉल्वेंट इफेक्ट? आपको पता है सॉल्वेंट कितने टाइप के हो सकते हैं? सॉल्वेंट ऑर्गेनिक के अंदर सॉल्वेंट दो टाइप के पाए गए। कौन कौन से भाई? एक तो होता है दोस्तों पोलर सॉल्वेंट। क्या है? पोलर सॉल्वेंट है। और एक कौन सा सॉल्वेंट पाया गया भाई? नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो पहले सॉल्वेंटों की बात करेंगे, फिर इनका इफेक्ट देखेंगे कि पर्टिकुलर कौन कौन से अपने रेट को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर दो टाइप के सॉल्वेंट हैं, पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर भी दो टाइप के फर्दर कैटेगराइज होंगे। कौन कौन से भाई? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं? अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गए दोस्तों अपना CCl4 हो जाएगा। ठीक है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, और आप क्या बोल सकते हो एन हेक्सेन भी कई रिएक्शनों में लिया जाता है, एन हेक्सेन भी लिया जाता है एटसेट्रा। ठीक है, और अगर हम इन पे बात करें कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होगा, तो पोलर होगा, प्रोटॉन रखेगा और सॉल्वेंट की तरीके से काम करेगा। ऐसे ही पोलर होगा लेकिन एप्रोटिक होगा, लेकिन कोई पोलर प्रोटॉन नहीं होगा उस सॉल्वेंट के पास। तो दोस्तों यहां पे हमने देखा कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होंगे और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, यानी कि जो पोलर सॉल्वेंट होंगे यही आपको ध्यान रखना है कि वही अपनी जो सब्सिट्यूशन रिएक्शंस हैं उनमें हेल्प करते हैं। यानी कि अपने को जो मेनली लेने रहेंगे ये अपने को पोलर सॉल्वेंट ही लेने हैं। किसके अंदर भाई? सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस के अंदर। ठीक है, पढ़ेंगे क्या होती है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, किस तरीके से सॉल्वेंट अपना इफेक्ट डालेगा भाई। तो यहां पर हमने देखा कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो कि विच पोलर सॉल्वेंट कंटेन अ प्रोटॉन। ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक, द पोलर सॉल्वेंट विच डू नॉट कंटेन अ प्रोटॉन। डन है, तो विच डू नॉट कंटेन अ प्रोटॉन, डू नॉट कंटेन अ प्रोटॉन और विच कंटेन अ प्रोटोन। प्रोटोन आप जानते हो एच पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि ये किस तरीके से इनके एग्जांपल होंगे, अभी डिटेल में चर्चाएं कर रहे हैं। तो लगाएं पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो दोस्तों पोलर जो प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक, प्रोटिक सॉल्वेंट, यहां पर क्या होगा? पोलर प्रोटिक, पोलर का मतलब उसके अंदर क्या होंगे? डाइपोल भी होंगे और प्रोटॉन को कंसिस्ट करेगा और एक सॉल्वेंट की तरीके से काम करेगा। ऐसे ही पोलर भी होगा
लेकिन एप्रोटिक होगा, यहां पर फोकस करेंगे बस, ठीक है। दोनों में यही डिफरेंस है। तो इसका एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, वोटर। क्या है भाई, वोटर इसका एग्जांपल है फर्स्ट। सेकंड आप बोल सकते हो कि इथेनॉल हो गया। क्या हो गया भाई, इथेनॉल, डन। तीसरा मिथेनॉल भी हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है मिथेनॉल भी। चार नंबर, क्या अमोनिया हो सकता है क्या, बिल्कुल अमोनिया हो सकता है। इस तरीके से आप बात कर सकते हो, अमोनिया भी हो सकता है। क्यों, यहां पर देखें ईएन डिफरेंस की वजह से, यहां पर डेल्टा पॉजिटिव, यहां पर क्या डेल्टा नेगेटिव, यहां पर इस तरीके से ही डेल्टा पॉजिटिव होगा, यहां पर भी डेल्टा पॉजिटिव, ओएच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, क्या डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। सिमिलरली पॉजिटिव नेगेटिव देन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ओके। तो पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां पर थ्री प्रोटॉन्स हैं तो सबके पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बोलिए, ठीक है। तो ये तो एग्जांपल हो गए अपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के। क्यों, पोलर भी है, डाइपोल भी बन रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, और क्या हो रहा है दोस्तों, यहां पर आपने देखा, यहां पर क्या हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव तो है ही, तो पोलर तो हो ही चुके। प्रोटोन, प्रोटोन भी है इसके पास, प्रोटोन भी है इसके पास, क्या है, प्रोटोन भी है इसके पास, डन है, और सॉल्वेंट तो है ही। दूसरा, अगर हम बोले कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर होगा एप्रोटिक सॉल्वेंट यानी कि प्रोटोन को कंटेन नहीं करेगा, तो ऐसे कौन से एग्जांपल है, जैसे आपने सुना होगा नाम एसीटोन, कौन सा एसीटोन सुना होगा, एसीटोन का स्ट्रक्चर क्या होता है, सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री, डन है। इसके बाद एन एन डाइमिथाइल, एन एन डाइमिथाइल, एन एन डाइमिथाइल फॉर्मामाइट, फॉर्मामाइट, ठीक है। एन एन डाइमिथाइल फॉर्मामाइड का स्ट्रक्चर क्या आएगा दोस्तों, एन एन, यहां पर भी सी एच थ्री, यहां पर भी सी एच थ्री, और यहां पर क्या आ जाएगा सी एच, डन है। और थर्ड जो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, क्या है, डाइमिथाइल मिथाइल सल्फोक्साइड, या इसका नाम है डीएमएसओ, क्या है, डीएमएसओ, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है। स्ट्रक्चर देखें क्या आ जाएगा, सी एच थ्री, फिर क्या एस डबल बॉन्ड ओ, यहां पर क्या आ जाएगा सी एच थ्री। अब आप बोलेंगे कि सर पोलर, अब ये पोलर कैसे हुआ, क्योंकि यहां पर क्या रहता है आपको पता है डेल्टा नेगेटिव, और यहां पर क्या हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव इस कार्बन पर, यहां पे सिमिलरली यहां पे क्या आएगा दोस्तों डेल्टा नेगेटिव, और यहां पर क्या आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, डन है। ऐसे ही यहां पर क्या आ जाता है भाई, नेगेटिव आ जाता है, और यहां पर क्या आ जाएगा डेल्टा, डन है। तो यहां पर पोलर भी है ये बॉन्ड, क्या है, ये बॉन्ड पोलर है, पोलर का मतलब यहां पर पोलरिटी तो आ ही रही है डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव। उसके बाद क्या है भाई, एप्रोटिक भी है, कोई प्रोटॉन को कंटेन नहीं कर रहा, कोई पोलर प्रोटॉन यहां पर नहीं है। आप बोलेंगे कि सर यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर प्रोटॉन है एच एस, तो सर यहां पर है, तो ये पोलर हो सकते हैं क्या, बिल्कुल होंगे पोलर, लेकिन बहुत ही लीस्ट पोलर होंगे, आप बोल सकते हो नेग्लिजिबल है ये। अगर इस पर पॉजिटिव आएगा तो इस पर भी पॉजिटिव आएगा, बोलो, ईएन डिफरेंस की वजह से, और फिर इस पर भी क्या आ जाएगा जरा सा पॉजिटिव, लेकिन वो प्रोटोनों में शामिल नहीं होगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हो, नेगलेक्ट कर सकते हो, या बोलेंगे कि एच अपने ओरिजिनल स्टेट के अंदर यहां पर कोई भी पोलैरिटी नहीं है, ये अपना जो ये बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा नॉन पोलर, क्या हो जाएगा नॉन पोलर। क्यों, क्योंकि ईएन डिफरेंस जब ज्यादा होगा तभी क्या होगा भाई, पोलैरिटी आती है, जैसे यहां पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में आई है पोलैरिटी, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कॉपी कर लेंगे कि किस तरीके से ये अपना पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं, उनके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे, ठीक है। और इसका इसको बोला जाता है, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो भी लिखेंगे डीएमएफ, क्या होती है डीएमएफ, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है। तो रिएक्शंस के अंदर आपको कैसे दिखेगा, वो बोल देगा डीएमएसओ,
वो तो ये लिख के थोड़ी ना बोलेगा कि डाई मिथाइल सल्फ ऑक्साइड दे दिया, नहीं। तो इस तरीके से कॉपी करें, पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। अब इनके कहानी पढ़ने जाएंगे अभी, ठीक है। तो पहले पता तो होना चाहिए कि पोलर प्रोटिक क्या है, तो कॉपी करेंगे। तो मेन अपने टॉपिक पे आ रहे हैं भाई, सॉल्वेंट किस तरीके से इफेक्ट करेगा SN1 एंड SN2 रिएक्शन को, ठीक है। तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि SN1 रिएक्शन क्या होती है या सॉल्वेंट सिलेक्शन रूल क्या है। तो पहले लिखेंगे सॉल्वेंट सिलेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्वेंट सिलेक्शन रूल, सॉल्वेंट सिलेक्शन रूल, रूल फॉर सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सॉल्वेंट सिलेक्शन रूल फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपको बताना है। और क्या होगा ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, क्या होती है कि अगर कोई चीज क्या हो जाए, सब्स्टिट्यूट हो जाए, एक ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाए, उसकी जगह पर कोई दूसरा ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। जैसे क्या, अगर मान लीजिए आप किसी, आप मेट्रो में हो और आप किसी महिला की सीट पर बैठ गए, ठीक है। तो क्या हुआ, तो महिला आपको आके क्या कर सकती है, सब्स्टिट्यूट, तो वो बोलेगी आप उठ जाइए, तो आपको उठना पड़ेगा और फिर वो वहाँ पर बैठ जाएगी। तो ये क्या हो गया, एक तरीके का सब्स्टिट्यूशन हो गया, ऑप्शन यही है। अब यहाँ पर क्या होगा सब्स्टिट्यूशन के अंदर, कि आपके पास यहाँ पर चार, आप बोल सकते हो इस तरीके से, एक बार हल्का आइडिया ले लें। एक मान लीजिए ये अपने पास एक्स है या ये लिविंग ग्रुप है, और यहाँ पर अपना न्यूक्लियोफाइल क्या है भाई, आने वाला है। तो ये तो क्या हो गई, आप मान सकते हो महिला है और ये आप बैठे हुए हो, तो ये आपको क्या करेगी भाई, सब्स्टिट्यूट कर देगी। तो इस तरीके से आप, इस तरीके से, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, डन। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि ये क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है, न्यूक्लियोफाइल एक्स की जगह पर आ गया, ठीक है। अब और एक काम किसने किया, न्यूक्लियोफाइल ने, तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो सॉल्वेंट सिलेक्शन रूल क्या है दोस्तों, इसको लिखेंगे एक बार। सॉल्वेंट सिलेक्शन रूल है कि आपके पास अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो कौन प्रीफर होती है, SN1 रिएक्शन। देखेंगे SN1 रिएक्शन क्यों प्रीफर होगी, SN1 रिएक्शन। अगर आपके पास क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, अगर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो आपके पास क्या आ जाएगी भाई, SN2 रिएक्शन प्रीफर होगी। ये बात बिल्कुल कंठस्थ करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये। अब ये कैसे है, क्यों है, वो ही हम चर्चाएं करेंगे। तो ये बात एक बार कॉपी कर लें। अब मैं क्यों बोल रहा हूं, हम ले रहे हैं भाई एक बार SN1 रिएक्शन, क्या लेंगे, SN1 रिएक्शन ले रहे हैं। और इसमें बात करेंगे कि किस तरीके से अपना जो सॉल्वेंट है वो इस पर इफेक्ट डाल रहा होगा। तो देखें, अगर मैंने SN1 रिएक्शन ली हुई है, SN1 का क्या मतलब हुआ, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर, यूनिमोलिक्यूलर। अब इसका फॉर्म तो यह हो गई, लेकिन हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, SN1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिमोलिक्यूलर क्यों है ये सारी जो चीजें हैं वो सारी पानी की तरह साफ हो जाएंगी इस लेक्चर के खत्म होने के बाद। तो देखें, अब मैं बोल रहा हूं कि आपने देखा होगा कि यहां पर कार्बन सेंटर रहता है और यहां पर मान लीजिए आपका लिविंग ग्रुप L है, क्या है, लिविंग ग्रुप L, और यहां पर आपके जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो आप RR मान सकते हो, डन है।
ये जनरल स्केलेटन लेके चले हुए हैं। अब क्या होगा दोस्तों, यहां पर जो इसका फर्स्ट स्टेप रहता है वो कौन सा स्टेप रहता है भाई, ये रिवर्सिबल रहेगा। क्या रहेगा? रिवर्सिबल। और रिवर्सिबल और फर्स्ट स्टेप आपको पता है कि इसमें कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है, तो पहले लीविंग ग्रुप क्या करेगा, लीव। तो आप बोल सकते हो दिस इज द आरडीएस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ब्रेकिंग ऑफ या लीविंग ऑफ लीविंग ग्रुप। ठीक है, जैसे ही लीविंग ग्रुप क्या करेगा, लीव करेगा, वही आपका क्या होगा, आरडीएस होगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा भाई, आर, और यहां पर क्या, सी पॉजिटिव, यहां पर भी आर, और यहां पर भी क्या बन जाएगा, आर। डन है। तो ये क्या हो गया भाई, एसपी टू सेंटर है, तो एसपी टू सेंटर है तो क्या आ जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आएगी। और यहां पर क्या आएगा भाई, ये आपका क्या आएगा, टेट्राहेड्रल। क्यों? क्योंकि ये एसपी थ्री हाइब्रिडाइज्ड, बताइए सही है। तो यहां पर जैसे ही सी पॉजिटिव बनेगा, आपके पास यहां पर क्या आ गया है, ट्राइगोनल प्लेनर एसपी टू। अब क्या होगा, ये तो आरडीएस है। अब आरडीएस ही आपको पता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और प्लस में क्या है भाई, एल नेगेटिव। समझने की कोशिश करना, जैसे ही ये लीव करेगा यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव प्लस एल नेगेटिव। अब देखें ये आरडीएस है यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो अगर इसका आप रेट लिखेंगे, क्या रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस पर डिपेंड करेगी, ओनली कंसंट्रेशन ऑफ, किस पर भाई, सब स्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर। तो आप बोल सकते हो रेट या आर ओ आर जो डिपेंड करेगा वो किस पर करेगा, ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर, कोई अटैकिंग स्पीसीज पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या आप बोल सकते हो इस रिएक्शन के अंदर स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा होगा, तो यही होता है स्लोवेस्ट स्टेप। आरडीएस इज द स्लोवेस्ट स्टेप, स्लो स्टेप ये। ठीक है, डन। अगर मैं आपसे बोलूं कि अब अगर आगे अगर रिएक्शन हुई है इस तरीके से, अगर मैं आपको बोलते हैं भाई कि अगर ये स्पीसीज है आपके पास सी पॉजिटिव और आर आर एंड आर, और अब आपकी जो न्यूक्लियोफाइलिक जो स्पीसीज है वो अटैक कर देगी, बताइए भाई, अटैक करेगी, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा भाई, इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। डन है। और यहां पर जो आपके पास आएगा वो ये है फाइनल प्रोडक्ट। तो ये जो स्टेप है ये बहुत ही फास्ट स्टेप रहता है, क्योंकि हाईली अनस्टेबल स्पीसीज, आप बोल सकते हो पॉजिटिव चार्ज किसी स्पीसीज पर बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल रहता है, और जैसे ही स्टेबल करने की कोशिश करेगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, धड़ाम जैसे अटैक कर देगा। अगर अटैक करेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा अपने पास, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन, क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन। लेकिन इस रिएक्शन को जो मैकेनिज्म है उसको ध्यान से आप देखें एक बार। अगर मैं बोलूं कि यहां पर जो मेरा लीविंग ग्रुप है वो लीव करेगा, क्यों लीव करेगा, अगर इसको स्टेबलाइजेशन फैक्टर्स के साथ हुआ तभी तो ये लीव करेगा, नहीं तो करेगा ही नहीं। अगर स्टेबलाइजेशन फैक्टर को देखें आप गौर से, तो यहां पर आपको क्या लेना पड़ेगा, पोलर प्रोटिक। हमने अभी सिलेक्शन रूल दिया कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में रिएक्शन होगी। ठीक है, पोलर प्रोटिक बोले तो मैं वाटर ले लूं, क्या ले लूं, वाटर। अगर मैंने ले लिया वाटर यहां पर H2O, क्या ले लिया, पानी, तो पानी क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा, क्या कर देगा, स्टेबलाइज। किनको स्टेबलाइज करेगा भाई, ये बोलेंगे आप। तो मैं बोल रहा हूं कि जो आपका जो फर्स्ट स्टेप है वही आपका आरडीएस है। अगर ये लीविंग ग्रुप यहां से लीव नहीं करेगा तो रिएक्शन चलेगा ही नहीं आगे। तो क्या होना चाहिए कि आगे भी क्या कुछ स्टेबलाइजेशन मिल जाए, तो स्टेबलाइजेशन मिल जाए तो बिल्कुल सही बात है कि लीविंग ग्रुप क्या करेगा, लीव करेगा, और फिर क्या मिल जाएगा, स्टेबलाइजेशन। तो देखें यहां पर ऐसा क्या होगा, जैसे ही ये लीव करेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये स्पीसीज एंड ये स्पीसीज। अगर हम इनको किसी तरीके से क्या करा दें, स्टेबलाइज करा दें, तो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट का रोल यही होता है भाई, इनको स्टेबलाइज करना। तो अपने पास क्या, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब ध्यान रखें आप,
अगर पोलर प्रोटिक सोलवेंट होगा आपके पास तो इस तरीके का रहेगा, यहां पर डेल्टा नेगेटिव, यहां पर क्या पॉजिटिव बोलो, ये क्या कर लेंगे आपस में इंट्रैक्ट कर लेंगे तो स्टेबलाइजेशन दे रहा है इसको। इसी तरीके से सिमिलरली दूसरा मॉलिक्यूल इस तरीके से वॉटर का इसको स्टेबलाइजेशन देगा, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव बोलो भाई दे देगा स्टेबलाइजेशन ऐसे। और ऐसे ही आप बोल सकते हो कि तीसरा मॉलिक्यूल भी क्या कर सकता है इसको स्टेबलाइज कर सकता है, तो ऐसे ही ढेरों मॉलिक्यूल क्या करेंगे स्टेबलाइज करेंगे डेल्टा नेगेटिव, डन है। और यहां पर क्या है डेल्टा पॉजिटिव, ऐसे ही सिमिलरली इसकी साइड कौन आ जाएंगे भाई आपके एच पॉजिटिव बोलो भाई डेल्टा, ये इसको स्टेबलाइज करेंगे, डन है। ऐसे ही आपके यहां पर कौन स्टेबलाइज कर रहा होगा भाई डेल्टा पॉजिटिव, क्या डेल्टा पॉजिटिव इसकी तरफ आ जाएंगे OHH, यहां डेल्टा पॉजिटिव है यहां पर भी डेल्टा पॉजिटिव, डन हो गई इतनी बात। अगर ये ऐसा कुछ हो रहा होगा तभी तो क्या होगा आपका जो लीविंग ग्रुप है वो भी स्टेबलाइज हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास ऐसा नहीं होगा तो रिएक्शंस का जो रेट है उस पर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, या आप बोल सकते हो कि रिएक्शन फेवर नहीं हो पाती। तो यही बात थी कि आपका जो ये कार्बोकटायन बन रहा है दोस्तों, ये क्या बन रहा है कार्बोकटायन, कार्बोकटायन को स्टेबलाइजेशन दे रहा है, कार्बोकटायन को भी क्या मिल रहा है भाई स्टेबलाइजेशन। और आप बोल सकते हो कि जो लीविंग ग्रुप है उसको भी क्या मिलेगा स्टेबलाइजेशन, तो लीविंग ग्रुप स्टेबलाइजेशन भी मिलता है, लीविंग ग्रुप स्टेबलाइजेशन भी मिलेगा, डन है। तो इतनी बात कॉपी करें। और एक इंपॉर्टेंट बात और देख लें कि सोल्वोलाइसिस रिएक्शन क्या होती है, सोल्वोलाइसिस, सोल्वोलाइसिस रिएक्शन सोलवेंट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड सोल्वोलाइसिस रिएक्शन। जिन रिएक्शंस के अंदर जो आपका सोलवेंट होगा वही एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरीके से अटैक कर देगा तो क्या भाई या एक्ट करेगा, तो आप बोल सकते हो कि दिस इज कॉल्ड सोल्वोलाइसिस रिएक्शन। कैसे, यहां पर अगर मैं बोलूं कि जो मेरा वॉटर है वही क्या है मेरा, दोस्तों देखें एक बार, जो मेरा वॉटर है वही क्या बन जाए आपके पास न्यूक्लियोफाइल बन जाए, देखें एक बार अगर मेरा वॉटर ही क्या बन गया न्यूक्लियोफाइल, देखें किस तरीके से, अगर मैं बोलूं सी पॉजिटिव और यहां पर आर, यहां पर भी आर और यहां पर भी क्या आर है, और अभी बोला स्टेबलाइजेशन मिलेगा तो यहां पर क्या मिल रहा है भाई स्टेबलाइजेशन मिल भी रहा है, यहां पर क्या नेगेटिव चार्ज और यहां पर क्या पॉजिटिव, स्टेबलाइजेशन तो मिल ही रहा है तो ये भी क्या करेगा भाई यहां पर अटैक कर सकता है, बोलो करेगा अटैक, अरे बताओ भाई दिस इज द फास्ट स्टेप, कौन सा स्टेप है ये फास्ट, ठीक। अब ये फास्ट स्टेप हुआ तो यहां पर क्या बन जाएगा देखें आर आर सी और यहां पर क्या भाई आर और यहां पर आर हो गया, डन। और यहां पर क्या बन जाएगा ओ एच, यहां पर क्या आ जाएगा पूरा का पूरा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि इसने लोन पेयर दिया है। अब यहां पर क्या आएगा, इसने क्या देगा भाई, जो आपका यहां पर जो भी लीविंग ग्रुप था एल नेगेटिव वो क्या कर लेगा इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा प्रोटॉन को, और आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों सी आर 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 और यहां पर क्या मिलेगा दोस्तों ओ एच, दिस इज योर प्रोडक्ट। अगर आपके पास क्या हो सोलोलाइसिस रिएक्शन हो, या आप बोल सकते हो सोलवेंट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ठीक है। तो हमने समझा कि किस तरीके से पोलर प्रोटिक सोलवेंट, अगर हम पोलर एप्रोटिक सोलवेंट ले लेते तो क्या होता, ठीक है, वो भी अभी चर्चाएं करेंगे अभी, ठीक है, कि पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। अब आपने देख लिया पोलर प्रोटिक सोलवेंट लेके तो SN1 रिएक्शन कराई जा सकती है या रेट फास्टर होगा, लेकिन आप बोले कि पोलर एप्रोटिक सोलवेंट अगर हम लें तो क्या SN1 रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ठीक है, और होगी तो कितने रेट से होगी, तो सारी बातों का डिस्कशन अभी कर रहे हैं, ठीक है।
तो लगाएंगे SN1 वन रिएक्शन इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या एडिंग लगानी है दोस्तों? अगर मैं बोलूं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इन SN1 रिएक्शन, तो SN2 के अंदर तो इस्तेमाल किया ही जाता है अपना एप्रोटिक सॉल्वेंट, दिस इज सॉल्वेंट सिलेक्शन रूल। बट हम ले रहे हैं कि किस तरीके से अगर हम पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ले लें तो क्या इफेक्ट आएगा, थोड़ी सी पिक्चर को क्लियर देखेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं सेम यहां पर R R और यहां पर भी R और यहां पर लिविंग ग्रुप है, ठीक है, यहां पर लिविंग ग्रुप मैं X ले सकता हूं, कोई भी हेलोजन हो सकता है यहां पर, और अगर मैं यहां पर लेके चल रहा हूं कौन सा भाई न्यूक्लियोफाइल, कौन सा एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल ले लिया हमने, और एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल ले लिया और इसके साथ में हमने लिया है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, दिस इज कॉल्ड डीएमएसओ डाइमिथाइल सल्फोक्साइड CH3S डबल बॉन्ड O और यहां पर CH3, यानी कि डाइमिथाइल एंड सल्फोक्साइड। फाइनल जो प्रोडक्ट आपका बनने वाला है CRRR और यहां पर क्या बन जाएगा दोस्तों NU, बोलो भाई NU, ये अपना क्या आएगा प्रोडक्ट, लेकिन कैसे बना क्यों बना तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा। तो रिएक्शन किसके थ्रू जा रही है SN1 और SN1 का फर्स्ट स्टेप क्या होता है रिवर्सिबल होगा और इसके अंदर ही ये फर्स्ट स्टेप ही क्या होगा RDS भी होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी। अब यहां पर क्या लगेगा भाई देखें, अगर मैं ये बोलूं आपको कि ये अपना RDS हो गया, अब यहां पर क्या बन जाएगा कार्बोकटायन, क्या बन गया कार्बोकटायन की फॉर्मेशन हो चुकी और यहां पर क्या है भाई एक्स नेगेटिव यहां पर निकल गया, डन है। तो बात को बहुत ही गौर से समझेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। अगर मैंने बोला यहां पर पॉजिटिव आ रहा है और यहां पर क्या आ रहा है नेगेटिव चार्ज, तो देखें अगर कुछ ऐसा होगा तो देखेंगे क्या होगा, यहां पर क्या हो गया भाई पॉजिटिव चार्ज और यहां पर क्या हो गया दोस्तों नेगेटिव चार्ज। अब क्या हो जाएगा देखें, अपने को सॉल्वेंट हमने ये लिया हुआ है तो यहां पर पोलैरिटी क्या आएगी, इस पर क्या आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव और यहां पर क्या आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि ईएन डिफरेंस की वजह से ऐसा हुआ है, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में क्या रहता है अच्छा खासा ईएन डिफरेंस रहता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों कि ये पोलर तो है लेकिन प्रोटोन नहीं रखते, तो क्या प्रॉब्लम आती है इनके अंदर। अगर आप मैं बोलूं कि यहां पर क्या हो जाएगा एस डबल बॉन्ड हो और इस तरीके से CH3 या इस तरीके से भी लगा सकते हो, इसका मतलब भी क्या है यहां पर भी CH3 और यहां पर भी क्या है CH3। अगर मैं यहां पर बोलता हूं डेल्टा नेगेटिव और यहां पर क्या डेल्टा पॉजिटिव, तो ये क्या कर देगा इसको स्टेबलाइज और ये इसको भी क्या करेगा इस तरीके से दूसरा मॉलिक्यूल भी क्या करेगा इसको स्टेबलाइज कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां आएगी दोस्तों वो देखें, इसको तो स्टेबलाइज कर देगा प्रोटॉन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपका कार्बोकटायन है इसको तो क्या कर देगा स्टेबलाइज, बोलो भाई। तो कार्बोकटायन स्टेबलाइजेशन पॉसिबल है, बिल्कुल है, कार्बोकटायन की स्टेबलाइजेशन हो जाएगी, लाइजेशन बिल्कुल हो जाएगी, आप बोलेंगे हां बिल्कुल हो जाएगी। लेकिन अगर एक्स नेगेटिव की तरफ हम देखें, किसकी तरफ एक्स नेगेटिव जो आपका लिविंग ग्रुप है, अगर ये इसको भी स्टेबलाइज कर पाता है एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक, तो हम बोलेंगे कि रिएक्शन बहुत ही फास्ट रेट से होगी, ठीक है। देखें अगर मैं बोलता हूं कि X नेगेटिव है और यहां पर हमने लिया हुआ है अपना सल्फोक्साइड, तो क्या आएगा भाई सल्फर पर पॉजिटिव है डेल पॉजिटिव और आप बोलेंगे कि इधर की साइड ये है और यहां पर CH3 ग्रुप और यहां पर भी CH3 ग्रुप, यहां पर डेल्टा पॉजिटिव है, बोलो भाई सल्फर पर क्या डेल्टा पॉजिटिव, यहां पर क्या डेल्टा नेगेटिव। अब देखें सल्फर जो है वो क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होगा तो क्या आ जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, क्या आ जाएगी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, अगर ट्राइगोनल प्लेनर आएगी तो इसी टाइप की ज्योमेट्री आएगी, बोलो
डन है। अब अपना जो एक्स नेगेटिव है उसका साइज थोड़ा बड़ा है, बड़ा रहता है भाई, क्योंकि सी एल वी एल बी आर वी आर रहते हैं यहां पर लिविंग ग्रुप, और कई बार तो आई भी। अब क्या होगा, एक्स नेगेटिव और यहां पर ये दो बल्कि ग्रुप बोलो, और आपको पता है जो आयन डाइपोल जो इंटरेक्शन होती है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही हो सकती है, ऐसा तो है नहीं कि 2 किलोमीटर दूर बैठा हुआ आदमी पोलरिटी कर रहा है कि यहां पर पॉजिटिव यहां पर नेगेटिव, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये स्टेबलाइजेशन उतना ज्यादा नहीं ले पाता, ठीक है। ये अगर उतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, ये भी क्या है बल्कि ग्रुप, बल्कि बल्कि क्या करेंगे रिपेल करेंगे, क्या करेंगे रिपेल, आ रही है बात समझ में, अगर बल्कि बल्कि रिपेल कर देंगे तो स्टेबलाइजेशन तो लेना अंदर वाले सल्फर से, जिस पर क्या है भाई पॉजिटिव चार्ज, अरे बोलो भाई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इससे स्टेबलाइजेशन ये ले नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप आ चुके बताइए। तो यहां पर आप बोल सकते हो कि अगर हमने पोलर एप्रोटिक सोलवेंट में और पोलर प्रोटिक सोलवेंट में एस एन वन रिएक्शन करा दी तो किसके अंदर रेट फास्टर होगा बताइए, पोलर प्रोटिक सोलवेंट के अंदर, ठीक है। इतनी बात समझ पा रहे होंगे कि प्रॉब्लम किसमें आ रही है भाई, लिविंग ग्रुप को क्या, ये लिविंग ग्रुप को क्या कर रहा है, लिविंग ग्रुप स्टेबलाइजेशन नहीं है यहां, ये बोल सकते हो आप, लिविंग ग्रुप स्टेबलाइजेशन है ही नहीं, किस केस के अंदर दोस्तों, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इन एसएन वन रिएक्शन, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब देखेंगे किस पर भाई बात करने जा रहे हैं, किस पर भाई एसएन टू रिएक्शन के ऊपर क्या क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो लगाएं एक बार हेडिंग, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इन एसएन टू रिएक्शन। तो दोस्तों अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो प्रीफर की जाती है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो प्रीफर किया जाता है किसके अंदर भाई, एसएन टू रिएक्शंस के अंदर, वो क्यों किया जाता है, ठीक है। सारी की सारी कहानी पानी की तरह साफ है, अगर आपके पास यहां पर HH हो, क्या हो HH, और यहां पर आपके पास लिविंग ग्रुप हो, सही है, और यहां पर आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, कौन है न्यूक्लियोफाइल, यहां पर आपका अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, अब और यहां पर मैं NaOH ले लेता हूं, कौन ले लेता हूं NaOH, डन, और हमने यहां पर ले लिया वही सेम DMSO, ले लो क्या ले लो DMSO, DMSO इज अ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, और यहां पर ये हो गया। आपको पता है कि SN2, ये अगर SN2 रिएक्शन हुई तो यहां पर क्या होता है कि जो रेट होता है रिएक्शन का, क्या होता है रेट, रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, दोनों चीज पर डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर भी करेगा दोस्तों, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर, और आपके जो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा उसकी कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा, तभी SN2 को बोला जाता है, क्या बोला जाता है भाई, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक बाई मोलिकुलर, टू का क्या मतलब है बाई मोलिकुलर। तो दोस्तों देखने जा रहे हैं क्या भाई कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर हम SN2 रिएक्शन में ले लें तो क्या होगा, उसके रिएक्शन रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो SN2 का मतलब क्या है दोस्तों, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक बाई मोलिकुलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मोलिक्यूलर रिएक्शन है ये, बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट बात। अगर मैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ले लूं, जैसे अगर यहां पर ले लिया मैंने HH और यहां पर लिया है, यहां पर अपना मान लीजिए X लिविंग ग्रुप, या आप बोल सकते हो L लिविंग ग्रुप है, और यहां पर NaOH हमने क्या ले लिया है आपके यहां पर अटैकिंग स्पीसीज, और यहां पर सोलवेंट DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, स्ट्रक्चर हमने पीछे देखा था। तो क्या होगा,
डीएमएस हो, आपको पता है कि जो आपकी जो रिएक्शन रेट होगा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन रेट किस किस बातों पर डिपेंड करेगा, एनएच या जो अटैकिंग स्पीसीज है उसकी कंसंट्रेशन पर भी, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूल की कंसंट्रेशन एज वेल एज सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, दोनों बातों पर ही डिपेंड करता है। तो अगर हम रेट ओवरऑल देखें तो क्या आ जाएगा, सेकंड ऑर्डर, और यहां पर तभी बोल रहे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिक्यूलर। अगर यहां पर बनता है तो आपको पता होगा कि इस तरीके से आपका जो ये न्यूक्लियोफाइल है या आपका जो ओएच है वो कहां पर जुड़ेगा भाई दोस्तों, यहां पर जुड़ जाएगा, और इस तरीके से इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन आपको मिलता है। क्या मिलता है, इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन, इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन मिलता है आपको, या इसको वाल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाल्डन इन्वर्जन, ठीक है। जैसे बारिश के समय में क्या होता है, छाता खुल जाता है, किसके प्रेशर से भाई, हवा का, जैसे ही प्रेशर आता है तो छाता ऊपर की तरफ मुड़ जाता है, तो उसको क्या हो जाता है भाई, इन्वर्जन। ऐसा ही क्या हो जाएगा, इस तरीके से यहां पर भी क्या इन्वर्जन देखने को मिला है, दिख ही रहा होगा ये ग्रुप इधर की साइड है, लेकिन क्या हुआ भाई, पुश इस पर लगा है तो किस तरफ चले गए हैं, उस तरफ चले गए, ठीक है। तो इस तरीके एसएन टू रिएक्शन के अंदर क्या मिलता है आपको, इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन मिलता है, और एसएन वन में बोला जाता है रेसिमाइजेशन, ठीक है। तो अगर हम देखें इस पर सोलवेंट का क्या इफेक्ट होगा, तो हम लेके चले हुए हैं भाई एनएओएच, अगर और इसका अगर मैकेनिज्म की थोड़ी सी बातें करें, क्योंकि क्लियर कहानी कहां से होगी दोस्तों, मैकेनिज्म से क्लियर कहानी होगी। अगर आपको मैकेनिज्म का नहीं पता तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि सॉल्वेंट ने क्या इफेक्ट किया है, कैसे इफेक्ट किया है। मैकेनिज्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बात है, यहां पर क्या बनता है भाई, एसएन टू रिएक्शन के अंदर मैकेनिज्म किसके थ्रू जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनती है यहां पर, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ट्रांजिशन स्टेट का क्या मतलब है कि बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। अगर साइमल्टेनियसली क्या हो जाएंगे दोस्तों, बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग साथ साथ हो, तो उस स्टेट को बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। डील सेल्डर रिएक्शंस, या आप बोल सकते हो कि एडिशन रिएक्शंस के अंदर ये बनती है, ठीक है। तो यहां पे भी बनेगी, देखेंगे कैसे, इतना छाप लें पहले। तो दोस्तों देखें, अब मॉडल की हेल्प से देखें मैकेनिज्म को, मैकेनिज्म विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडल कि क्या होगा, ठीक है। तो अब मैं लेके चल रहा हूं सी, और यहां पर क्या आ गया है, ये हाइड्रोजन और ये वाला फाइल में मान रहा हूं क्या भाई, सेम प्लेन के अंदर है, और ये मेरा क्या हाइड्रोजन बिलो द प्लेन, और ये मेरा हाइड्रोजन क्या है अबव द प्लेन। देखें इसको, समझे टेट्राहेड्रल को एक बार, कि इस तरीके से अगर आप इसको इस तरीके से प्लेस कर दें, आपको दिख रहे हैं ये दो, ये अपना लिविंग ग्रुप है, और ये क्या कार्बन, और तीन अपने क्या हो गए दोस्तों हाइड्रोजन। ये दोनों के दोनों क्या है, एक ही प्लेन में, प्लेन में है, एक ही प्लेन में, बोलो भाई, प्लेन ऑफ द बोर्ड। और ये क्या है, प्लेन से बाहर है, और ये क्या है, प्लेन से अंदर। तो प्लेन से बाहर हमने दिखा दिया है इससे, किससे भाई, वेज से, और इसको किससे दिखा दिया हमने, डैश से। बात समझ में आ रही है, इस वाले को किससे दिखाया, इस वाले को किससे दिखाया, डैश से, देख ले बिल्कुल सही है, बोलो डन है। तो इस तरीके से हमने टेट्राहेड्रल को दिखा दिया है। अब देखेंगे क्या पॉसिबिलिटी है इसकी। हम बोल रहे हैं कि NaOH हमने यहां पर लिया हुआ है एज ए अटैकिंग स्पीसीज, या आप बोल सकते हो यही अटैक करने जाएगा। डेल्टा नेगेटिव इस पर है, O का नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव इस पर पॉजिटिव, और DMSO क्या लिया हुआ है हमने, सॉल्वेंट लिया हुआ है। तो क्या होगा दोस्तों, इस तरीके से पीछे की तरीके से क्या होगा अटैक, बताइए, जो आपके अटैकिंग स्पीसीज वो कहां से अटैक करेगी, इसके बैक साइड से अटैक करेगी। क्यों, आपको पता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग अपने को साथ साथ शो करनी है, ठीक है, और ट्रांजिशन स्टेट बनना है। अगर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी तो इस तरीके से घूम के क्या आएगा भाई, अटैकिंग स्पीसीज, और यहां से क्या कर देगा अटैक, और अपना लिविंग ग्रुप क्या चला जाएगा बाहर की साइड। समझने की कोशिश करें वाल्डन इन्वर्जन को भाई, अगर क्या इस तरीके से मॉलिक्यूल रखा हुआ है, ठीक है, और इस तरीके से क्या आ रही है आपकी अटैकिंग स्पीसीज,
इस तरीके से आएगी बैक साइड, अटैक साइड से तो हो नहीं सकता भाई, हेड टू हेड थोड़ी ना हो सकता अटैक, बताइए। इस तरीके से क्या आएगा, बैक अटैक करेगा, बैक अटैक होने से क्या, ये लिविंग ग्रुप इधर से लीव कर जाएगा इस पोजीशन से, क्योंकि ये खाली पोर्शन है। इस तरीके से अटैक हुआ, ये बाहर की साइड गया, इससे क्या हुआ, ये वाले जो आपके क्या है हाइड्रोजन्स है, ये वाले जो बॉन्ड है सी एच जो बॉन्ड, ये क्या करेंगे रिपल्सन फील करेंगे। बोलो जब ग्रुप यहां से एंटर कर रहा होगा तो ये क्या करेंगे रिपल्सन फील करेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे टिल्ट हो जाएंगे इस तरीके से, क्या हो जाएंगे टिल्ट। अगर टिल्ट हो जाएंगे इस तरीके से तो जुड़ कौन जाएगा इधर, आपका अटैकिंग स्पीसीज। बात समझ में आ रही है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, या आप लिख सकते हो इसको इस तरीके से कि C और यहां पर क्या हो गया आपका H, और ये वाला क्या हो जाएगा भाई एक आपका बिलो, और ये क्या चला जाएगा एक आपका बिलो हो गया एक अबो इस तरीके से, और ये क्या आ जाएगा आपका OH नेगेटिव, या आप बोल सकते हो डन है। तो ये इन्वर्ट हो गया, क्या हो गया इन्वर्ट, इस तरीके से चले थे आप और किस तरीके से आ गए इस तरीके से। अगर ये रेड क्या हो जाए OH, ठीक है। तो मैकेनिज्म पर देखें थोड़ा सा, मैकेनिज्म की चर्चाएं कर रहे थे हम, तो अगर मैकेनिज्म देखें तो क्या होगा, अटैकिंग स्पीसीज अपनी कौन सी है भाई OH नेगेटिव, बताइए OH नेगेटिव क्या करेगा इसके साथ इंटरेक्शन दिखाएगा, तो C यहां पर है और इंटरेक्शन दिखा रहा है किसके साथ भाई इस कार्बन के साथ। इस तरीके से H हो गया बिलो द प्लेन H, और यहां पर क्या हो गया भाई ये भी H डन है। अगर मैं यहां पर देखता हूं कि इस तरीके से मेरा ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, यहां पर लीविंग ग्रुप अपना, ये अपना क्या करना चाहेगा लीव करना चाहेगा यहां से, अगर ये लीविंग ग्रुप अगर लीव करना चाहेगा तो देखें L था तो L लगा ले, ठीक है। अब इंटरेक्शन जो OH है और लीविंग ग्रुप है, ये क्या होगा बॉन्ड का फॉर्मेशन, क्या होगा फॉर्मेशन को F से दिखाया जाता है, ब्रेकिंग को किससे दिखाएंगे B से डन है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकिंग हमने साथ साथ दिखा दी, तो इसी को क्या बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट, यही अपनी क्या है ट्रांजिशन स्टेट है, या आप बोल सकते दिस इज कॉल्ड TS, दिस इज कॉल्ड TS, ठीक है। अगर ट्रांजिशन स्टेट है और अटैक करने की अगर पॉसिबिलिटी हुई, तो देखा कि यहां पर अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो अटैक पॉसिबल नहीं है, तभी आपने देखा होगा SN2 का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है 1 डिग्री देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री, बताइए। और SN1 का तुरंत उल्टा, क्यों, क्योंकि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी, क्योंकि यहां पे तो क्या बनते TS और वहां पर क्या बनती है SN1 के अंदर कार्बोकैटायन। तो ये हल्की हल्की बात सारी समझ में आपको आ रही होगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए सब कुछ। अगर यहां पर बॉन्ड की फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकिंग साथ साथ होनी है तो यहां पर क्या बनता है TS बनता है, क्या बनता है TS, और इस तरीके से बनेगा तो यहां पर जो आपका प्रोडक्ट आएगा फाइनल, तो यहां पर कौन जुड़ जाता है दोस्तों OH जुड़ जाएगा और यहां पर HH, इस तरीके से डन है। तो किस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से दिख रहा है ये वाला बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड क्या है प्लेन के अंदर है, और एक क्या है बॉन्ड बाहर की साइड, और एक क्या है अंदर की साइड, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। अब चलो बहुत बढ़िया है, फाइनल प्रोडक्ट तो बन गया, लेकिन आप बोलेंगे कि सर फाइनल प्रोडक्ट बन ही क्यों रहा है, नहीं बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो फर्स्ट जो आपका स्टेप है वो ही क्या अटैकिंग स्पीसीज का अटैक, फर्स्ट स्टेप ही क्या है अटैकिंग स्पीसीज का अटैक है। बोलो भाई अटैकिंग स्पीसीज क्या कर रही है, अटैक कर रही है, फर्स्ट स्टेप के अंदर ही अटैक कर रही है, लेकिन SN1 के अंदर ऐसा नहीं था, वहां पर क्या करता था थोड़ा रुक के अटैक होता था, नहीं। तो ऐसा क्या हो रहा होगा, तो आप बोलेंगे किस तरीके से इसको एक बार छाप लें और जल्दी से रोल देखेंगे किसका भाई DMSO का क्या रोल है, ठीक है। अगर हम एक को कैप्चर कर लें, मान लीजिए इसके अंदर जो आपका NaOH है, क्या है NaOH पॉजिटिव और ये नेगेटिव, अगर हम एक पार्ट को क्या कर लें कैप्चर और एक पार्ट को जाने दें या रिलीज करें, या एक को ज्यादा स्टेबलाइज करा दे एक पार्ट को, पॉजिटिव पार्ट को और नेगेटिव पार्ट को क्या करें कम स्टेबलाइज, जो कम स्टेबलाइज होगा वो जल्दी से अटैक कर देगा। बोलो भाई कर देगा नहीं कर देगा, कम स्टेबलाइज होते ही जल्दी अटैक करेगा, जल्दी अटैक करेगा तो SN2 को फेवर करेगा। तो यही बात देखनी है
कि किस तरीके से आपकी SN2 रिएक्शन फेवर होगी किसके केस के अंदर, आपके पास DMSO हो या क्या हो, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, क्या हो, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अगर आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया तो क्या इफेक्ट आएगा वो भी देखेंगे। DMSO लेके चले हुए हैं पहले NaOH, देखे क्या Na पॉजिटिव यहां पर है और क्या है भाई OH नेगेटिव है, बताइए। अगर मैं यहां पर बोलूं कि DMSO, DMSO को आप जानते हो इस तरीके से है और यहां पर क्या हो जाएगा डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव इस तरीके से स्टेबलाइजेशन। सिमिलरली यहां पर क्या आएगा डेल्टा पॉजिटिव और यहां पर क्या जाएगा डेल्टा नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे इंटरेक्शन करेंगे, लेकिन उतनी अच्छी इंटरेक्शन नहीं हो पाएगी। किसकी वजह से भाई, दो बल्कियर ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है तो इतनी अच्छी इंटरेक्शन नहीं हो पाएगी। आप बोलेंगे कि यहां पर क्या हो जाएगा रिपल्सन, तो ये तो क्या हो रहा है लेस स्टेबलाइज हो रहा है, नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है आपका नेगेटिव जो पार्ट है वो क्या हो रहा है लेस स्टेबलाइज, क्या होगा लेस स्टेबलाइज, ये क्या हो जाएगा मोर स्टेबलाइज, क्या हो जाएगा मोर स्टेबलाइज। और आपको करना भी यही था शायद, नहीं जो आपका नेगेटिव पार्ट था वो स्टेबलाइज अगर करा दिया आपने तो यहां पर तो ये अटैक करने के लिए जाएगा ही नहीं उतनी जल्दी, तो यहां पर क्या अटैक होगा ही नहीं, फर्स्ट स्टेप में अटैक नहीं होगा तो SN2 रिएक्शन फेवर नहीं होगी, फिर कौन सी रिएक्शन फेवर हो जाएगी SN1, बोलो भाई। तो यहां पर कौन सी फेवर करानी है अपने को SN2 रिएक्शन, तो OH नेगेटिव को उतना ज्यादा स्टेबलाइजेशन नहीं करना, यानी कि स्टेबलाइज नहीं करना, उतना ज्यादा बिजी नहीं रखना इसको, क्योंकि काम में ही कौन आएगा आपका नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट ही अपने अटैक करने जाएगा, बोलो भाई। तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये क्या होना चाहिए लेस स्टेबलाइज होना चाहिए, तभी किस पर अटैक करेगा फर्स्ट स्टेप के अंदर अटैक करेगा, ठीक है। लेकिन अगर पिक्चर थोड़ी क्लियर दूसरी हो जाए, केस में यहां पर कोई दूसरा ले लूं, कौन सा भाई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का कौन सा ले लूं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मैंने मान लीजिए वाटर ले लिया, क्या ले लिया वाटर, बोलो। अगर मैंने यहां वाटर ले लिया तो कहानी बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी, कैसे खराब होगी कहानी, आप बताएंगे कि सर Na पॉजिटिव है और यहां पर क्या है OH नेगेटिव, यहां देख लें एक बार, आप बोलेंगे कि सर Na पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है, Na पॉजिटिव हो गया और क्या हो गया OH नेगेटिव, अगर दोनों Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव अब क्या होगा, अब यहां पर वोटर है, वोटर आप बोलेंगे सर पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से स्टेबलाइज हो जाएगा यहां पर नेगेटिव और इस तरीके से स्टेबलाइज कर लेगा, ऐसे ही सिमिलरली यहां पर क्या है HH और यहां पर क्या है भाई नेगेटिव चार्ज इस तरीके से स्टेबलाइज, ऐसे ही तीसरा मॉलिक्यूल भी कर लेगा, बोलो भाई नेगेटिव और ये क्या हो गया पॉजिटिव, Na पॉजिटिव तो ट्रैप हो चुका, बोलो। सिमिलरली अगर मैं बोलूं OH नेगेटिव को भी ट्रैप कर सकता है क्या, कौन, ये दो दो प्रोटोन इस तरीके से HH, इस पर पॉजिटिव इस पर भी पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव, इस तरीके से क्या कर देंगे स्टेबलाइज, अगर ये स्टेबलाइजेशन हो गया तो क्या हो जाएगा गजब हो जाएगा, यहां यहां डेल्टा पॉजिटिव यहां भी डेल्टा पॉजिटिव है इस तरीके से स्टेबलाइजेशन, OH भी आपका ट्रैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा OH भी जबरदस्त स्टेबलाइज और आपका पॉजिटिव भी क्या हो जाएगा जबरदस्त स्टेबलाइज, अगर दोनों स्पीसीज क्या हो जाएंगी स्टेबलाइज, क्या है ये आप बोल सकते हो बहुत ही ज्यादा स्टेबलाइज है, क्या है बहुत ही ज्यादा स्टेबलाइज, मोस्ट स्टेबलाइज हो गई, क्या हो गए मोस्ट स्टेबलाइज, अगर मोस्ट स्टेबलाइज हो गए तो क्या ये अटैक करने जाएंगे, नहीं जाएंगे, अपने आराम करेंगे, अटैक क्यों करेंगे भाई, बोलो आराम करेंगे, अगर आराम करेंगे तो SN2 रिएक्शन होगी ही नहीं, ये बोलेंगे हम तो आराम से जाएंगे, आराम से जाएंगे तो इसका क्या मतलब है कि पहले लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा तो कार्बोकैटायन बन जाएगा और रिएक्शन फेवर किसकी तरफ हो जाएगी SN1 रिएक्शन चली जाती है। तो सारी की सारी कहानी अपने समझ में आ गई है दोस्तों। अगर एक क्वेश्चन की बात कर लें कि किस तरीके से क्या नॉन पोलर अगर हम सॉल्वेंट लें तो क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं हो सकती क्या, अगर होगी तो उसका रेट क्या होगा, तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी अभी दिमाग में क्या आया है भाई, अगर हम पोलर सॉल्वेंट तो जैसे ले ही रहे हैं किसके अंदर SN1 SN2 के अंदर, अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लें, क्या ले लें नॉन पोलर सॉल्वेंट, अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट हम ले लें SN1 के अंदर भी और SN2 रिएक्शन के अंदर भी, क्या ले लें नॉन पोलर ही सॉल्वेंट ले लें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या रिएक्शन होगी या नहीं होगी, तो मैं बोलूंगा कतई रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन क्या रिएक्शन होगा ही नहीं,
SN1 एंड SN2 रिएक्शन डू नॉट टेक्स प्लेस. और होगा भी तो प्रोडक्ट कुछ भी नहीं आएगा, 1-2% बनेगा तो वो भी कोई बनने में बनना नहीं हुआ, नहीं. तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि रिएक्शन नॉन पोलर सॉल्वेंट में नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? सारे के सारे फैक्टर आपके सामने थे, क्योंकि स्टेबलाइजेशन मिलेगा ही नहीं स्पीसीज को. अगर स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगा तो वहां पर रिएक्शंस फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है, क्योंकि SN1 के अंदर तो इक्विलिब्रियम ही है. क्या है? इक्विलिब्रियम. अगर कोई स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगा बैकवर्ड में चली जाएगी, ठीक है. और SN2 रिएक्शन के अंदर क्या होगा? SN2 रिएक्शन में Na पॉजिटिव को ट्रैप कर ही नहीं पाएगा तो फिर OHB अटैक के लिए नहीं जा पाएगा. तो वहां पर भी जरूरी है पोलैरिटी. तो पोलैरिटी क्या करती है? पोलैरिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप बोल सकते हो कि अगर पोलर कोई बॉन्ड रहता है तो वो दूसरे को पोलराइज भी कर सकता है. तो पोलराइजेशन पावर भी यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो सारी की सारी बातें थी. तो एक हल्का रिकैप ले लेते हैं. क्या भैया, क्या क्या पढ़ा है हमने? हमने पढ़ा है SN1 और SN2 रिएक्शन के अंदर क्या रोल अपने सॉल्वेंट का रहने वाला है. अगर मैं बोलू SN1 रिएक्शन में हमने बोला कौन भाई? आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट काम में आता है. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलो भाई. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर आप ले लेंगे तो SN1 रिएक्शन क्या हो जाएगी? फेवर. या आप बोल सकते हो रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? फास्टर हो जाएगा. क्यों हो जाता था? क्योंकि वहां पर कार्बोकटाइन और कार्बनाइन बने, वो कार्बोकटाइन बनेगा और लिविंग ग्रुप के पास क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज. दोनों को कौन स्टेबलाइज कर देगा? आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कर देगा. आपने देखा. उसके बाद हमने क्या ले लिया है भाई? SN1 रिएक्शन के अंदर ही क्या लिया? आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिया. अब पोलर एप्रोटिक लेते ही कहानी किसकी वजह से खराब हुई थी भाई? स्टेरिक की वजह से. आपने क्या कर दिया? नेगेटिव पार्ट, जो आपका नेगेटिव पॉजिटिव है, जो आपका भाई कौन सा कार्बोकटाइन तो स्टेबलाइज हो गया था, लेकिन जो आपका लिविंग ग्रुप था उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, उसको कौन स्टेबलाइज करेगा? आपका पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज जैसे ही क्या करना है, स्टेबलाइजेशन लेने की कोशिश करता है, तो क्या बल्कियर ग्रुप आ गए थे? कौन से? सल्फोक्साइड वाले. बताइए, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड. जैसे ही CH3 ग्रुप क्या करने लगते हैं? हिंड्रेंस करने लगते हैं, उतना ज्यादा स्टेबलाइजेशन नहीं आता. तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है? कम हो जाता है इन द केस ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इन SN1 रिएक्शन. उसके बाद हमने SN2 की बात की. SN2 की में के अंदर क्या होगा भाई? ट्रांजिशन स्टेट बनेगी. ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड मेकिंग क्या होगी? साइमल्टेनियसली होगा. अगर आपने क्या लिया हुआ? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया. पहले क्या लिया? पोलर एप्रोटिक लिया था. DMSO क्या लिया हमने? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट. अगर हम SN2 की बात करें तो SN2 के अंदर हमने क्या लिया भाई? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट पहले लिया, DMSO. जैसे ही हम एप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं तो पोलराइजेशन भी कराता है. बढ़िया, बोलो भाई. पोलराइजेशन तो कराएगा ही. उसके बाद क्या कराएगा? पोलराइजेशन करा देगा. अपने को जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पार्ट जो अटैकिंग स्पीसीज का, उसको तो क्या कर लेता है? स्टेबलाइज. लेकिन नेगेटिव पार्ट को स्टेबलाइज नहीं कर पाता, जो अपने अटैक करने जा रहा है. अगर अटैक करने ही जा रहा उसी को रोक लेगा तो क्या हो जाएगा? रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा. तो भाई एप्रोटिक सॉल्वेंट ऐसा नहीं करता. तभी देखा गया SN2 रिएक्शन के अंदर आप एप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हो, ठीक है. अगर हम क्या ले लेंगे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. अगर प्रोटिक ले लिया तो वो क्या कर देगा? अटैकिंग स्पीसीज का जो नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट है, दोनों को ही स्टेबलाइज करा देगा, ठीक है. अब दोनों को स्टेबलाइज करा देगा तो अटैक करने जाएगा नहीं. कौन भाई? आपका अटैकिंग पार्ट, नेगेटिव चार्ज. न्यूक्लियोफाइल पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, या आप लोन पेयर बोल सकते हो. वो जाएगा ही नहीं तो रिएक्शन होगा ही नहीं, ठीक है. क्योंकि SN2 के अंदर क्या बनती है? ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है. आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है. थैंक यू वेरी मच.